हेलो दोस्तों, रावण ही एक ऐसा व्यक्ति जिसे कुछ लोग सही तो कुछ लोग गलत मानते हैं। रावण महान शिव भक्त और ज्योतिष भी था। रावण जिसने शिव तांडव की रचना की। रावण की 6 बातें, जिनमें से आपने किसी भी बात का अपने जीवन में पालन किया तो आप दूसरों से जल्द सफल होंगे। तो शुरू करते हैं कि पहली बात, निर्णय के पक्के रहो। रावण ने अपने नाना सुमाली से कहा, जो मैं एक बार ठान लेता हूँ उससे मैं कभी पीछे नहीं हट सकता। मृत्यु का भय भी एक वीर पुरुष को अपने वचन से विमुख नहीं कर सकता। दूसरी बात, किसी की परवाह मत करो। हनुमान जी के द्वारा लंका दहन के बाद रावण ने अपने मंत्रियों से कहा, लोग मुझे आज क्या सोचते हैं, क्या क्या सोचते हैं उसकी मुझे परवाह नहीं। शेर बुद्धि वाले तो इस समाज तो क्या परमेश्वर भी संतुष्ट नहीं कर पाएगा। कुछ लोगों के लिए मैं देवता हूँ तो कुछ लोगों के लिए राक्षस। लोग केवल कुछ अपना स्वार्थ चाहते हैं। जब आप में उनका स्वार्थ दिखे तब आप उनके लिए देवता हो, और जब आप उनके स्वार्थ को पूरा न कर सको तब आप उनके लिए एक राक्षस बन जाते हो। यह समाज अपने स्वार्थ से चलता है। यह स्वार्थ ही देव दानव अर्थात मनुष्यों से अपराध कराता है। तीसरी बात, अतिरेक में जियो। रावण मंदोदरी से कहता है, हे मंदोदरी, मैं जानता हूँ कि आज मेरी पराजय निश्चित है। पितामह ब्रह्मा के द्वारा दिया हुआ वरदान आज मेरे ऊपर एक साप बनकर मंडरा रहा है। किसी भी व्यक्ति को ख्याति पाने के लिए या तो देवतुल्य बनना पड़ता है अथवा दानव समान। यदि अच्छा बनना हो तो इतना अच्छा बनो कि इंद्र तुम्हें अपना सिंहासन दे दे, और बुरा बनना हो तो इतना बुरा बनो कि स्वयं नारायण तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त करने हेतु अवतरण हो। हे मंदोदरी, आज मैं धर्म का प्रतीक बन चुका हूँ। अनगिनत पापों से मेरा घर भर चुका है, और मैं यह भी जानता हूँ कि उनका अवतरण मेरे विनाश के लिए हुआ है। यह जान लो, रावण कभी नहीं मरेगा, सदा के लिए रावण अमर होगा। चौथी बात, किसी भी हालत में मत झुको। अंतिम युद्ध में जाने से पहले रावण ने महाकाल आरती का प्रबंध किया, परंतु आरती में अपशगुन हेतु रावण ने महाकाल महेश्वर से कहा कि हे महाकाल, हे परमेश्वर, हे शंकर, आज इन अपशगुनों द्वारा आप रावण को डरा नहीं सकते। आपने क्या सोचा कि मैं आपका परम भक्त दशानंद इन अपशगुनों से डर जाऊंगा और युद्ध को रोक के राम के चरणों में समर्पण कर दूंगा? नहीं, रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं। पांचवी बात, अच्छे कार्यों में देरी न करो। अंत समय में रावण ने लक्ष्मण को 3 सीख दी, अच्छे कार्यों में कभी भी विलंब नहीं करना चाहिए। अशुभ कार्यों को मोहवश करना पड़े तो उसे जितना हो सके उतना टालने की प्रयास करना चाहिए। छठी बात, किसी को तुच्छ न समझो। शक्ति और पराक्रम के बंद में इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि हर शत्रु निम्न और तुच्छ लगने लगे। ब्रह्मा जी के द्वारा मुझे वर मिला था कि बानर और मानव द्वारा कोई मुझे मार नहीं सकता, फिर भी मैं उन्हें तुच्छ और निम्न समझकर फिर भी अहम में लिप्त रहा, जिस कारण मेरा समतुल्य विनाश हो गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर दें।